नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आशीष जायसवाल का रामटेक में भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं में देखने मिला उत्साह। मंगरूलपीर पुलिस ने की बकरी ईद के मौके पर शांति की अपील, मवेशी हत्या पर प्रतिबंध होने की दी जानकारी। और प्लास्टिक प्रतिबंध पर कामठी नगर प्रशासन सुस्त, चोरी छिपे हो रहा है प्लास्टिक का इस्तेमाल। अब खबरें विस्तार से। विधायक आशीष जायसवाल 24 दिन बाद अपने गृह नगर लौटे। इस अवसर पर गंगा भवनम हॉल में आयोजित बैठक में विधायक जायसवाल का उनके कार्यकर्ताओं ने रामटेक और कन्हान में जोरदार स्वागत किया। विधायक जायसवाल के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता अचानक हुई इस बैठक में शामिल हुए। अपने भाषण में शिव सैनिकों ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हमारे विधायक जहां जाएंगे हम वहां जाएंगे। उसके बाद विधायक जायसवाल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने उथल पुथल की पूरी प्रक्रिया दर्शकों के सामने पेश की। पिछले 2.5 साल बहुत तनावपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2.5 साल बहुत महत्वपूर्ण है और हम निर्वाचन क्षेत्र के लिए काफी काम करना चाहते हैं। रोजगार सृजन पर बहुत काम किया जाना है। विधायक जायसवाल ने कार्यकर्ताओं व विभिन्न पदाधिकारियों व सरपंचों से संगठन को मजबूत करने की अपील की। बैठक का संचालन हेमराज चोखंदे ने किया। इस समय जिला परिषद सदस्य संजय झाड़े, कन्हान नगर परिषद अध्यक्ष करुणा आष्टनकर, पार्शिवनी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिभा कुंभलकर, वर्धराज पिल्ले, माजी नगर सेवक बिकेंद्र महाजन, राजेश किम्मतकर, हेमराज चोखांद्रे, राजू भोसकर, विवेक तुरक, नरेश धोपते, भूपेश्वर चाफले, कमलेश शरणागत, धर्मेश भागलकर और साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत अवैध गोमांस ले जाने की गोपनीय जानकारी से पुलिस ने एक ट्रक को रोककर इन व्यापारियों का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने चालक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जाँच की जा रही है। वादी अवैध व्यापार की तलाश में थाना परिसर में गश्त कर रहा था। एक गोपनीय मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गोवंश नस्ल के जानवरों से लदा एक 10 पहिया ट्रक तस्करी कर लाया जाएगा। इस सूचना के आधार पर राजीव गांधी नगर पुलिया के नीचे जाल बिछाया गया और 6 जुलाई को ट्रक को संदिग्ध रूप से पास आते देखा और उसे रोककर सड़क के किनारे ले जाया गया। ट्रक टाटा कंपनी का था और ड्राइवर के पास 2 ISM थे। ट्रक चालक व उसके साथियों से नाम व पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम शेख मोहसिन उर्फ गोलू शेख नासिर बताया और उसके साथ 2 और लोग थे। उनके नाम मंजर कमाल बेग और अरविंद भजनदास डहाट बताया गया। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि वो क्या ले रहे हैं तो उन्होंने गाय और बछड़ों को कत्ल के लिए ले जा रहे हैं ऐसा कबूल किया। जब ट्रक की जांच की गई तो उसमें गायों और बछड़ों को बेरहमी से कुचलकर भर दिया गया था। ट्रक को जब्त कर धंतोली गौरक्षण केंद्र नागपुर भेजा गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की जांच की जा रही है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। दिनांक 6/7/22 के पहाटे 1:30 दरमियान आम्हाला अशी माहिती मिळाली की एक ट्रक आहे, त्याचा क्रमांक आहे MH 31 DS 1393। यामधून जनावरांची, गोवंश जनावरांची अवैध वाहतूक करून त्यांना कत्तलीकरता नेण्यात येणार आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही राजीव गांधी पुलियाच्या खाली दबा धरून बसलो आणि जसा तो त्या क्रमांकाचा ट्रक आला, ट्रकला थांबून ट्रकची पाहणी केली असता त्यामध्ये आम्हाला गोवंश आढळून आले। नंतर त्या गोवंशाला सुरक्षित ठेवण्याकरिता गौरक्षण संस्था दंतोली येथे त्यांना हरवण्यात आले। 35 गोवंश जनावरे मिळून आली ज्यांची किंमत 3,44,000 रुपये आहे आणि 1 ट्रक जो 10 चक्का ट्रक आहे त्याची किंमत जवळपास 20 लाख, असा 23,44,000 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही 6 तारखेला जप्त केला। महंगाई के मार के चलते परेशान जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। बढ़ती महंगाई जनता के लिए भारी मुसीबत साबित हो रही है।
इसका विरोध करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संध्याताई सवालाखे इनके मार्गदर्शन तथा नुसरत अली इनके नेतृत्व में नागपुर स्थित गांधी पुतला वैरायटी चौक में सिलेंडर की शोक सभा आंदोलन कर विरोध दर्शाया गया। आज गरीब विरोधी जुल्मी मोदी सरकार ने फिर एक बार अपने नाकामयाबी का सबूत दे दिया है। जीवन में लगने वाले घरेलू गैस का दाम फिर एक बार 50 रुपए से अधिक बढ़ाए गए हैं। पिछले एक साल में 218 रुपए गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ाकर केंद्र की जुल्मी मोदी सरकार अपनी तिजोरी भर अडानी अंबानी के कर्ज को माफ करने में लगी है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसके विरोध में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसूजा इनके आदेश में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संध्याताई सवालाखे इनके मार्गदर्शन तथा नुसरत अली इनके नेतृत्व में नागपुर स्थित गांधी पुतला वैरायटी चौक में सिलेंडर की शोक सभा आंदोलन कर विरोध किया गया। कुछ ऐसा हो रहा है, हर सुबह महंगाई की मांग, अब की बार मोदी सरकार ये आगे देखो, मतलब मोदी है तो मुमकिन है, मतलब हर दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। कल अचानक टीवी पर आ गया कि कल सुबह से 50 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ जाएंगे। वो काले अंग्रेज मतलब हो गए ना, ये एक गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है, तानाशाही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को देश की आर्थिक स्थिति कुछ भी समझ में आती नहीं है, इकोनॉमी का नॉलेज नहीं है, इसीलिए किसी भी पल आ करके एक न्यूज़ चैनल वाले डाल देते हैं कल से सिलेंडर 50 रुपये महंगा। जुलाई पिछले साल जुलाई से लेकर के अभी तक 218 रुपये सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए। आज ये महिलाएं बारिश नहीं देखी, आंधी नहीं देखा, तूफान नहीं देखा, सब लोग यहाँ पर खड़े हुए क्योंकि ये देश के हित में खड़े हुए। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है या महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, ये इस देश की आवाज है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को तो आवाजें सुनाई नहीं दे सकती, उनको सिर्फ उद्योगपति करोड़पति अंबानी अडानी विजय माल्या जैसे लोगों की आवाज सुनाई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, नरेंद्र मोदी जी 2024 में अगर आपको इस गद्दी से कोई निकाल कर खींच के नीचे उतार देगा देश की महिला। मंगरूलपीर थाने में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यशवंत केड़गे और थानेदार सुनील हुड ने की। इस वक्त यशवंत केड़गे ने जानकारी दी कि मवेशी वध पर प्रतिबंध है। इस वक्त उन्होंने नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की है। भारत में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म के नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्यों से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। 10 तारीख रविवार को बकरी ईद के मौके पर मुस्लिम धर्म के लोग अपने आदेश के अनुसार जानवरों की कुर्बानी देते हैं। मौलाना अंसार अहमद खान ने कहा है कि जिस जानवर को कानून की इजाज़त हो उसकी कुर्बानी देनी चाहिए और सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट पर कमेंट ना करें। ये राय मौलाना अंसार खान ने व्यक्त की थी। SDPO यशवंत केड़गे ने कहा कि आगामी बकरी ईद के अवसर पर राज्य में 2015 में मवेशी वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी को भी किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें बताए या 112 पर कॉल करे। सभा को संबोधित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यशवंत केड़गे ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की। हायजीनिक मेंटेन करायचं किंवा तिथल्या मारायचं आणि पाणी पुरतं वेळोवेळी आला पाहिजे आणि लाईटच्या बाबतीत MHP आहे ते लाईट कुठलेही त्याला एकदम एमर्जन्सीशिवाय कुठेही लाईट जाणार नाही तर काही अडचणी निर्माण होणार। आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे ते 2015 साली प्रिझर्वेशन ऑफ ॲनिमल ॲक्ट आहे आलेला आहे आपल्या राज्यात, जो की इतर राज्यात होता नंतर 2015 आपल्या इथे झालं। त्या गोवंश किंवा गोवंशांचे जे आहे त्यांची गाई गो किंवा गोवंश यांची हत्या करायला आपल्याला प्रतिबंध आहे। तर आताचे जे काही वातावरण आपण बघतो हमारे विनोद भाऊ डेरे जैसे की गदमपुर सर ने कहा है कि सर ने ये बता दिया जाए कि ये ईद उल अज़हा यानी बकरीद का उद्देश्य क्या है। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के दो ही त्यौहार, एक त्यौहार है रमजान ईद और एक है ये बकरी जिसको हम बकरीद कहते हैं। रमजान ईद में तो शिरकुरमा चलता है और बकरीद में असल में हम ये कहते हैं कि वो पशु वो जानवर जिनकी हमारे भारत के भारत सरकार ने और भारत के कानून ने हमें इजाज़त दी उसको हम ज़िबा करते हैं। इस्लामों से
जाना जाता है, ईद उल अज़हा भी कहते हैं, बकरीद भी कहते हैं, ईद कुर्बान भी कहते हैं। ये भारत भूमि, भारत देश हमारा ऐसा है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के त्यौहार में शामिल भी होते हैं। यही हमारी जो तो अनेकता में एकता, यही हमारी देश की खूबसूरती है। युवाओं का लग्जरी लाइफ जीना फैशन हो गया है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो चोरी क्यों नहीं। लेकिन एक आरोपी दिन में जिम ट्रेनर का काम करता है और रात में लोगों के घर में घुस जाता है और चोरी को अंजाम देता है। उसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 25 लाख रुपए के मामले में एक सराफा व्यापारी और उसके गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों कई दिनों से चोरी कर रहे थे। वह चोरी का माल हंसापुरी के एक सराफा व्यापारी को बेचते थे। इमरान खान, हमीद खान, अफसर खान, अख्तर खान, सैयद नौशाद अली, सैयद कलीमुद्दीन अली, विकास उर्फ रिंकू, गौरी शंकर गुप्ता, ये आरोपियों के नाम हैं। आरोपी इमरान खान जिम ट्रेनर है और आरोपी अफसर खान चिकन की दुकान चलाता है, जबकि नौशाद प्लास्टिक का सामान बेचता है। वादी उद्योजक मोहम्मद फैजान 20 जून को अपने परिवार के साथ भोपाल गया था। उस समय उन्होंने उसके घर का ताला तोड़ा और 17 लाख रुपए के जेवर चुरा लिए। मानकापुर पुलिस ने सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की। पता चला कि इसमें आरोपी शामिल थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तब ये मामला पूरी तरह सामने आया है। आरोपियों ने चोरी का माल हंसापुरी के सराफा विकास उर्फ रिंकू गुप्ता को बेच दिया था। पुलिस ने गुप्ता को भी गिरफ्तार किया और करीब 25 लाख रुपए मूल्य के 3 दोपहिया वाहन और जेवरात जब्त किए। पोलीस स्टेशन मानकापुर हद्दी मध्ये मोहम्मद फैजान अशफाकुद्दीन हे बोथरले उठे ते राहतात पलोटी स्कूलच्या मागे। ते 26 स्वतःचं घर बंद करून सुनेच्या माहेरी सगळे फॅमिलीसह गेलेले होते। 23 सायंकाळी परत आले तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की त्यांच्या घराचं लॉक तुटलेलं आहे आणि घरात चोरी झालेली आहे। चोरी झाल्यानंतर पोलीस स्टेशनला 145/22 हा गुन्हा नोंद आहे। त्या गुन्ह्यामध्ये एकूण तपास केला असता 3 आरोपी अरेस्ट केले आणि नंतर जो चौथा आरोपी आहे सोनार त्याला पण तपासामध्ये अरेस्ट केलेला आहे। आत्तापर्यंत एकूण 4 आरोपी पोलीस स्टेशन मानकापूर इथं अरेस्ट करण्यात आले। त्यांच्याकडनं 347 ग्राम सोने, 2 गुन्ह्याच्या पैशामधून खरेदी केलेल्या गाड्या आणि 4,56,000 रक्कम, असा एकूण 24,82,500 रुपयाचा मुद्देमाल आरोपितांकडून अरेस्ट आहे। आरोपीचं जे नाव आहे, पहिला आरोपी आहे मोहम्मद अफसर खान, याचं वय 32 वर्ष, हा टिमकी 3 खंबा तहसील हद्दीमध्ये राहतो, याचं चिकनची दुकान आहे। दुसरा आहे इम्रान खान, हमीद खान, याचं वय 32 वर्ष आहे, हा सुद्धा मिठाचा कारखाना तहसील हद्दीमध्ये राहतो, त्याचं जिम ट्रेनर आहे, हा जिमचं प्रशिक्षण देतो आणि स्वतःसुद्धा बॉडी बिल्डर आहे, बऱ्याचशा त्यांनी स्पर्धा जिंकल्याचं तो सांगतो आहे। तिसरा आहे सय्यद नौशाद अली, सय्यद कलीमुद्दीन अली, वय 32 वर्ष, याचं प्लास्टिक वस्तूंचं सेल हा लावतो आहे आणि हे तिघंही गुन्ह्याची रेखी करून गुन्हा करतात आणि गुन्हा केल्यानंतर जो मुद्देमाल आहे त्या गुन्ह्यातला तो विकास उर्फ रिंकू गौरी शंकर गुप्ता याच्या हंसापुरी येथील पुराणा भंडारच्या जवळ त्याचं दुकान आहे, तिथे त्या गुन्ह्यातला जो मुद्देमाल आहे तो जाऊन विकतात, त्याच्या बदल्यात पैसे घेतात। तो विकास उर्फ रिंकू हा त्या सोन्याला वितळवतो आणि मग त्याचं पुढे त्याची तो विक्री करतो। अशा पद्धतीचं यांची मोडस आहे, चारही आरोपी त्यांची, आणि यांच्या 7 पिशार घेण्यात आला। 7 पिशारमध्ये त्यांनी परत 2 गुन्ह्याचं कबुली दिल्याने 75/22 124/22 असे 2 गुन्हे, म्हणजे एकूण पोलीस स्टेशन मानकापूरच्या हद्दीमध्ये 3 गुन्हे या आरोपितांनी केलेले आहे। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। भाजपा प्रवक्ता धर्मपाल मेश्राम ने लीना मिकलाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लीना मिकलाई की डॉक्यूमेंट्री गॉडेस काली से शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, तो मिकलाई ने आज जो दूसरा पोस्ट किया है वो भी आपत्तिजनक है। लीना मिकलाई जो कर रही है वो सिर्फ प्रचार के लिए है या भारत से अपील करने के लिए, ऐसा सवाल भी धर्मपाल मेश्राम ने इस वक्त उपस्थित किया। खरतर मदुराई येथे जन्मलेल्या आणि टोरंटो येथे स्थायिक झालेल्या मनी मेकलाई ह्या भारतीय मूळ असलेल्या डायरेक्टर महिलेने गॉडेस काली ह्या यांचं आपल्या डॉक्युमेंटरीचं पोस्टर करताना ज्या पद्धतीचं पोस्टर त्यांनी प्रकाशित केलेलं आहे ते अत्यंत घाणेरडं, विकृत मनोवृत्तीचं प्रदर्शन करणारं आणि स्वतः त्या महिलेचं मन सांगणारं किंवा तिची वृत्ती प्रदर्शित करणारं अशा पद्धतीचं हीन दर्जाचं पोस्टर ह्या मीना लीना मनी मेकलाई ह्या महिलेने प्रसिद्ध केलेलं आहे। खरं तर चित्रपटसृष्टी ही आजकाल नकारात्मक प्रसिद्धीच्या माध्यमातून जगभर धंदा उभा करण्याचं एक माध्यम झालेली असल्याचं आज आपल्या निदर्शनास येत आहे। दुर्दैवानं या देशातल्या 100 crore जवळ असलेल्या हिंदू बांधवांच्या, धर्मबांधवांच्या भावना दुखावण्याचंच काम या महिलेनं हेतुपुरस्सरपणे केलेलं आहे। हे करताना यांचा जो अजेंडा आहे तो नेमका काय आहे याचं देखील चिंतन करण्याची गरज आणि या अजेंडाच्या माध्यमातून पैसा कमावण्याचं टूल, शस्त्र हे लोक या पद्धतीनं करतायत का यावर देखील चिंतन होणं, विचार होणं अत्यंत आवश्यक आहे। अशा पद्धतीचं काम करणाऱ्या ती चित्रपटसृष्टी असेल किंवा मग आणखी कोणी असेल, तर अशा पद्धतीचं कार्य करणाऱ्या महिला पुरुषांवर किंवा व्यक्तींवर कठोरातली कठोर कारवाई होणे आणि त्या पद्धतीचे कायदे तयार होणं आज काळाची गरज आहे असं मला वाटतं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था और प्रतिबंध के दौरान प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन कामठी जिले में चोरी छिपे प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। कामठी जिले के तमाम नगर परिषद और नगर निगम बड़ी संख्या में प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। प्लास्टिक बैन पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से विशेष टीमों का गठन किया गया है। हालांकि नगर प्रशासन ने केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ बास्केट केस दिखाया है।
शहर में चोरी छिपे प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है और प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नगर प्रशासन सुस्त है और नगर परिषद शहर की किसी भी सड़क पर बाजार क्षेत्र में नजर नहीं आ रही है। अभी तक शहर में कहीं भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर कुछ पर्यावरणविदों ने नाराजगी जताई। कामठी में प्लास्टिक बंदी का जो अभियान चलना चाहिए था, जो 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने जो प्लास्टिक बंदी का जो निर्णय लिया है, उसके लिए कामठी नगर परिषद जो उसका अंबल बजावनी करने का इम्प्लीमेंटेशन करना एक्शन मोड में नहीं दिख रही है, जो कि उन्होंने अभी तक के दुकानदारों को या फिर जो उपभोक्ता है उन लोगों को जो अपनी जो कपड़े की थैलियाँ बांटअप करना चाहिए था, दुकानदारों को जो दुकानदार संघ है उन लोगों को जागरूक करना चाहिए था, दुकानदारों तक के पहुँचना चाहिए था, जो सिंगल यूज़र है यानी जो उपभोक्ता है उन उपभोक्ता को जागृति निर्माण करना चाहिए, इसका क्या प्रॉब्लम्स है। नहीं, एक्शन मोड में नहीं है नगर परिषद का प्रशासन जो है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तो मैं दोष देना चाहूँगा, साथ में जो हमारा प्रशासक है जो कि एक काफ़ी बड़ा अधिकारी है, उस अधिकारी अभी तक के हमने देखा ही नहीं है। हमारे आगे जो प्रशासक है, अभी हम लोग बोल रहे हैं अभी कल से वो दिखेंगे और पास क्या करेंगे, तो जो 500 रुपये की चालान फाड़ेंगे उससे नहीं होगा ना, चालान फाड़ने से नहीं होगा। जो बिजनेस कर रहा है, जो इंडस्ट्री प्लास्टिक को बना रही है, उसको बैन लगाइए ना पहले, उसका आप कोई भी चीज का सप्लाई बंद करना चाहिए तो ही यूज बंद होगा। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बुल्डाना जिले में करीब 600 कर्मचारी कार्यरत है। हालांकि पूरा स्टाफ मुश्किल में है, क्योंकि उन्हें 3 से 4 महीने में केवल एक बार भुगतान किया जा रहा है। इस संदर्भ में कर्मचारी जिला परिषद पहुंचे और उन्होंने इस वक्त आंदोलन की चेतावनी भी दी। आक्रोशित 600 कर्मचारियों ने आज जिला परिषद कार्यालय पर धावा बोलकर अपना दुख जताया है। कोरोना काल में इन पूरे स्टाफ ने जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की है और कोरोना के बाद भी अब उनका काम का तनाव बढ़ गया है। हालांकि वेतन के मामले में वरिष्ठों के सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के कारण उन्हें 3 महीने में एक बार भुगतान किया जाता है। यह वेतन हर माह दिया जाए, अन्यथा 1 सप्ताह के बाद सभी पीड़ित कर्मचारियों ने अपने बच्चों के साथ जिला परिषद कार्यालय में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मी मंगेश गावंडे, एसटीएस टीयू चिखली। मागील 1 वर्षापासून आयुक्तांचं माननीय आयुक्तांनी पत्र पाठवलेलं आहे की 1 तारखेला सगळ्यांचे मानधन व्हायला पाहिजे, परंतु मागील 1 वर्षापासून दर 3 महिन्यांनी 1 महिन्याचं पेमेंट होऊन राहिलं। 3 वर्षापासून आमचे 5% इन्क्रीमेंट जे आम्हाला लागतं दरवर्षी, ते इन्क्रीमेंटसुद्धा दिल्या गेलेलं नाही आहे। EPFचे पैसे 5-5 महिन्याचे अजून भरलेले नाही आहेत। ॲक्च्युली ते प्रत्येक महिन्यात ते भरले गेले पाहिजे आणि 10 तारखेच्या आत भरायला पाहिजे, पण ते 5 महिन्यापासून ते पेमेंटसुद्धा आजपर्यंत भरले गेले नाही। 1 तारखेला पगार व्हायला पाहिजे। काय नेमकी अडचणी येत आहेत? अडचणी ते आमचे जिल्हा लेखा व्यवस्थापक काही सांगत नाही की अडचणी काय आहेत। कधी ग्रँड नाही, कधी काही नाही, CO मॅडमकडे फाईल आहे, कधी फायनान्सला आहे, असे उडवाडीचे उत्तर देतात। कोणत्या विभागातील कर्मचारी आहे? NHM आरोग्य विभाग। आम्ही NRHM अंतर्गत आरोग्य विभाग बुलढाण्याचे कर्मचारी असून आम्हाला वारंवार पेमेंटसाठी इथं चक्र मारावं लागतात। कॉल केले तर कोणी व्यवस्थित उत्तर देत नाही आणि प्रत्येक महिन्याला आमचा प्रॉब्लेम आहे। 2-2, 3-3 महिने आमचे पेमेंट अडवून ठेवतात आणि काही प्रश्न विचारले तर उत्तरही व्यवस्थित जिल्हा परिषदचे कर्मचारी आम्हाला देत नाही। आणि जिल्हा परिषदचा वेळेवर या कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांचा व्यवस्थित पेमेंट होतो आणि आमचा ग्रामीणवाल्यांचा बाकीच्यांचा NUHMचा होत नाही। काय प्रॉब्लेम आहे काय माहीत नाही आणि आमची सतत पिळवणूक होते। आम्ही कंटाळून गेलो आहे। मुलांची फी भरायची, काय करायचं, घर संसार कसा चालवायचा आणि ड्युट्या पण करायच्या, इतका वर्कलोड कोरोना काळापासून एवढा वर्कलोड वाढलेला असून त्यात आमची दमछाक होत आहे आणि त्यात माननीय CO मॅडम माननीय DHO सर यांनी काहीतरी तोडगा काढावा यासाठी आम्ही इथपर्यंत आलेलो आहे। आणि जर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला मिळालं नाही तर आम्ही 8 दिवसांनी परत सर्वजण NRHM कर्मचारी पूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यातील इथं जिल्हा परिषद समोर आमच्या मुलाबाळांसह येऊन बसणार आहोत, याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी आणि काहीतरी आम्हाला यातून मार्ग काढून द्यावा, ही नम्र विनंती आहे सर्व NRHM कर्मचाऱ्यांतर्फे माझी। कामठी में नवनिर्माण मोक्षधाम परियोजना पर 3,28,00,000 खर्च किया गया है। विधायक टेकचंद सावरकर ने मोक्षधाम योजना अधिकारी के साथ इसका निरीक्षण किया। कामठी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा मोक्षधाम में 4 बर्निंग शेड, 2 हॉल और 1 बगीचा स्थापित किया गया है। इस मोक्षधाम का बाकी काम अगले कुछ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा।
उसके लिए कामठी विधानसभा के विधायक टेकचंद सावरकर ने आज मोक्षधाम का निरीक्षण किया। कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे यथाशीघ्र ठीक करने का आदेश दिया गया, जबकि शेष कार्य यथाशीघ्र किया जाना था। उन्होंने बताया कि जल्द ही यह मोक्षधाम करुण वास्तु कामठी शहर को समर्पित किया जाएगा। हा जो कामठी शहरासाठी मंजूर केलेला मोक्षधाम आहे, माननीय बावनकुळे साहेब पालकमंत्री असताना याची मंजुरी मिळालेली आहे। 3,28,00,000 याचा एस्टिमेट आहे, 12% बिलो आहे। आणि आज हा मोक्षधाम या संपूर्ण एरियाचा एक मॉडेल म्हणून खऱ्या अर्थानं आपण त्याच्याकडे पाहता येईल। जवळजवळ याचा 90% काम पूर्ण झालेलं आहे। 2 सभागृह आहेत, 4 हे आपले बर्निंग शेड आहेत, आपल्यात इथे जो हे राहणारे व्यक्ती आहे चौकीदार त्याच्यासाठी सुद्धा रूम या ठिकाणी आपण केलेली आहे। गोडाऊन आहे जे मटेरियल ठेवायचे आहे त्याच्यासाठी सुद्धा व्यवस्था पूर्ण झालेली आहे। गार्डन आहे, या ठिकाणी मूर्ती बसणार आहे, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या ठिकाणी सुशोभीकरण आपण या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। हे गोष्ट खरी आहे की या कामठी शहरात ज्या काही अंतयात्रा व्हायच्या ह्या सर्व 5 किलोमीटरवर कणा नेते जात होत्या, आणि म्हणून 2 महिन्यात हे सर्व जनतेसाठी खुला करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत। सर्व आमचे अधिकारी BNCचे ठेकेदार तहसीलदार सर्वाच्या माध्यमातून आणि मोक्षधाम समिती जी आहे हे खऱ्या अर्थानं याच्यामध्ये खूप लक्ष देऊन आहे। पहिल्या दिवसपासून शेवटपर्यंत त्यांच्या या ठिकाणी लक्ष आहे। त्यांनी अजून काही नवीन गोष्टी सुचवलेल्या आहेत, त्याही 2 महिन्याच्या आत या ठिकाणी पूर्ण करण्याची भूमिका आमची आहे। मी या ठिकाणी 2 महिन्याच्या आत हा जो मोक्षधाम आहे हा कामठी शहरासाठी या ठिकाणी खुला होईल अशी आमची अपेक्षा आहे। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।